अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका पाक एंड यू के लाइफस्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज बैठे बैठे हमारा घूमने फिरने का प्लान बना और पापा हमें सेंट ऑरस ले आए। सेंट ऑरस आने के लिए हम फटाफट तैयार हुए थे जल्दी जल्दी में, फिर हम यहाँ पहुँचे। ये हमारी सेंट ऑरस की मेन एंट्रेंस है। पर्ची ली और फिर यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। ये देखें जी सेंट ऑरस की बिल्डिंग, ये पूरी सेंट ऑरस। एंटर होने से पहले आपको ये स्टॉल्स नज़र आएंगे बाहर, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में आप सबसे पीछे रह जाते हैं और आपके घर वाले आगे निकल जाते हैं। अब मैं सबसे पीछे हूँ और अब जाऊँगी मैं, एंटर होते हुए आपको दिखाती हूँ। देखें जी हम एंटर हो चुके हैं और ये मेरा फेवरेट ब्रांड एंटर होते साथ ही हमें नज़र आया है, बोनेंजा सतरंगी, वन ऑफ माय फेवरेट। बाकी सब छोड़े, एंटर होते साथ ही इतना ज़्यादा रश मिला था हमें, बोनेंजा के अंदर भी बहुत रश था। हम आपको ये छोटे मोटे क्लिप्स मॉल के अंदर के दिखाते रहेंगे। अब हम एक एक शॉप के अंदर नहीं जा सकते। पहले भी मैंने आपको अमेज़ॉन वाले ब्लॉग के अंदर बताया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती और फिर आप ऐसा फिर वीडियो में आप प्रॉपरली दिखा नहीं सकते। हम सबसे पहले आए थे फोर्थ फ्लोर फन सिटी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप फन सिटी में अपने बच्चों को लेकर आए। तकरीबन 1.5 ईयर के बच्चे आराम से यहाँ आके खेल सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह की गेम्स हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको एक एक गेम दिखाएंगे कि कैसे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ साथ। आप अपने बच्चों के लिए लाजमी कोई ना कोई एक्टिविटी रखा करें। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स दोनों ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसे में बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा रहता है और ग्रोथ डिवेलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई आउटिंग पर लेके जाएँ। कोई ना कोई गेम्स उनकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। फन सिटी एंटर होते साथ ही आपको चेक इन पॉइंट नज़र आएगा, वहाँ से आप बच्चों के लिए कार्ड बनवा लें और उसी को फिल कराते रहा करें, रिचार्ज कराते रहा करें। वो लेटर ऑन यूज़ हो जाते हैं, वो पॉइंट ज़ाया नहीं होते हैं। हर मशीन पे कोई ना कोई बच्चा खेल रहा था, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए कि काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं बच्चों के लिए। ये देखें जी हैप्पी स्विंग लेके बच्चे हैप्पी रहेंगे। जी आप लोग रश देखें, पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके। ये देखें जी जैकपॉट, मैं देख रही थी एक बच्चे ने 55 टोकन्स यानी टिकट्स यहाँ से विन किए थे। यही टोकन्स यही टिकट्स वो और मशीन्स में इंसर्ट करके और गेम्स खेल सकता है। ये देखें जी शिप भी इंडोर गेम में आ चुकी है बच्चों के लिए। हम तो अपने टाइम पे लेते थे यू पार्क जा के, वहाँ पे काफ़ी गेम्स खेलते थे हम भी, बहुत इंजॉय किए हमने। ये माशाल्लाह मेरा भांजा बाइक इंजॉय कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम मुझे लगी थी, मैंने रिकॉर्ड की थी स्पेशली वेट करके कि ये गेम कोई खेले और मैं रिकॉर्ड करूँ। आप देख रहे हैं तरह तरह की गेम्स हैं यहाँ पे, ये रेसिंग भी थी, काफ़ी मज़े की गेम्स थी यहाँ पे। ये बॉक्सेस बहुत क्यूट थे, इस पर काफ़ी टैडीज थे, काफ़ी टॉयज थे ऐसे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे बच्चों के लिए। लेकिन ये गेम्स वाकई बहुत मुश्किल होती हैं, इसमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट मुश्किल से कर सकते हो कि वो पिक हो जाए चीज़। लेकिन खैर ये बहुत अच्छा था सारा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा हमारा। फन सिटी से निकलते ही आपको टॉयलेट नज़र आएगा, यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, हमने वैसे चेक नहीं किया। फोर्थ फ्लोर है ही फोर्थ फ्लोर, यहाँ पे आप आएँ खाएँ पिए, आप शॉपिंग करते हुए थक गए हैं, आप इजीली फोर्थ फ्लोर पे पहुँचें, खाएँ पिए, अपने आप को फ्रेश करें और फिर दोबारा मॉल घूमें। और जी फिर हमें नज़र आया सना सफीनास, यहाँ पे हम अटक चुके थे क्योंकि जी मामा को यहाँ पे अपने लिए कुर्ते नज़र आ गए थे, उनको कपड़े नज़र आए, हमने कहा ठीक है भाई, फिर हमने अपनी स्ट्रीक की।
फिर हम आए थे स्टाइलो, स्टाइलो से हमें चाहिए थे जॉगर्स, फिर हमने मज़े मज़े के जॉगर्स देखे भी, मामा ने अपने लिए लिए भी, बहुत अच्छे थे, हमने उन्हें सेलेक्ट कराए। फिर हम साथ साथ सारे ब्रांड्स देखते हुए जा रहे थे क्योंकि हमने जाना था अब नमाज़ पढ़ने। बातिक एंड वन दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। वन से आप अपने लिए पेंट शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, बातिक से आप लोग कैजुअल फॉर्मल ड्रेसेस आराम से ले सकते हैं। नमाज के लिए हम जा रहे थे तो साथ साथ हम ये ब्रांड्स पे भी नज़र पड़ रही थी, तो मैंने सोचा ये भी साथ साथ दिखाती चलूँ मैं आप लोगों को। अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ काफ़ी रिलैक्सेशन मोड में थे, मसाजर्स पे बैठे हुए थे, काफ़ी रिलैक्सेशन होती है मसाजर्स पे बैठ के। ये देखें जी, अब हम एग्जिट ले रहे थे मॉल से, अब हम बाहर आ रहे थे। हम बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, काफ़ी रश था, लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बाहर निकल भी रहे थे और आ भी रहे थे। हमेशा की तरह वापसी पे भी मैं सबसे एंड में ही थी वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। ये देखें जी, बाहर से बिल्डिंग का नज़ारा करें आप लोग, बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था ये व्यू। सेंटोरस से निकल कर हम गए थे F7 मंडी, वो पापा को बहुत पसंद है तो हमने सोचा चले हम लोग मंडी ही खा लेते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी फैमिलीज वेटिंग में बैठी हुई थी, लेकिन हमने नाम पहले ही लिखवा दिया था, तो अगर आप लोग मंडी खाने का सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले जाके अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो जगह मिलना इम्पॉसिबल होता है। अंकल ने बहुत अच्छा अपना टैलेंट दिखाया, मुश्तबा बीच में हंस भी रहा था, उसकी आवाज़ माशाल्लाह आप लोगों ने सुनी होगी। फिर हमने मंदी खाई, बहुत मज़ा आया हमें। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, लोगों का रश आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करें। तो जी, घर के वापसी पे मुस्तफ़ा ने ज़िद पकड़ ली थी कि भाई मुझे आगे बिठाओ, मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। फिर पापा ने उसको गाड़ी दी और वो वाकई स्टेयरिंग घुमा रहा था, और मैं पैर बच्चे को हमने इंजॉय कराया और उसने भी बहुत इंजॉय किया।